खबर ये कि K21 न्यूज़ से बात करते हुए इदारा तरक्यात कराची के चीफ इंजीनियर नदीम इकबाल का कहना है कि कराची की बेहतरी के लिए KDA अच्छे इकदाम कर रहा है, कराची के सस्ते प्रोजेक्ट्स और सिंध गवर्नमेंट की दी गई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको भी सुनवाते हैं। जी हम मौजूद हैं इदारा तरक्यात कराची चीफ इंजीनियर नदीम इकबाल साहब के साथ, आइए जानते हैं इनका सस्ते रिहायशी प्रोजेक्ट के हवाले से क्या कहना है। जी नदीम सलाम। जी वालेकुम सलाम। ना KDA को एक टास्क दिया गया है गवर्नमेंट सिंध ने कि एक तो आप सस्ते सस्ते फ्लैट प्रोवाइड करें लोगों के लिए, जिसके लिए हमने सुरजैन टाउन में अभी इंशाल्लाह इसी महीने हम एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, वो कि सेक्टर 7 में है, इसमें हाई राइज बिल्डिंग बनेगी और लोगों को सस्ती रिहाइश के हवाले से उसमें हमने अपना जो है ना प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। उसमें लोगों को हम कोशिश करेंगे कि सस्ते सस्ते रिहाइश प्रोवाइड करें। तरक्याती कराची इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ ना कोऑर्डिनेशन में है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने कुछ KDA को टास्क दिए हैं, तकरीबन 120 काम है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, कराची में 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ काम हैं जो कि मुख्तलिफ यूसीज हैं, हर यूसीज में कुछ काम है, इसमें रोड वाटर सप्लाई सीवरेज के काम है, जिन स्कीम्स में बिल्कुल भी रोडों का काम नहीं हुआ है पिछले 20 साल से, हमने उन स्कीमों को पहले टेकओवर किया है।